Assalamu alaikum friends, welcome back to my channel and welcome back to another vlog. I hope you guys are doing great. So guys, aaj hum log ja rahe hain Dolphin Park jo ki Abu Dhabi city ke start mein hai. So guys, hum pahunch chuke hain aur yahan pe ye midpoint hai. Yahan se right side pe eastern mangrove walk hai aur left side pe hai Dolphin Park. तो चलिए जी, हम आपको डॉल्फिन पार्क दिखाएंगे. मैंग्रोव के लिए मैं ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, आप लोग वो देख सकते हैं. अभी जो मैं आप लोगों को डॉल्फिन पार्क दिखाऊंगी. सो फ्रेंड्स, हम आए हैं शाम के टाइम, मतलब मगरिब से थोड़ा टाइम पहले, लेकिन अभी भी ह्यूमिडिटी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है. तो हम देख सकते हैं कि सनसेट हो रहा है और यहाँ पे भी लोग जो हैं वॉक करने भी आते हैं और साइकिलिंग के लिए भी आते हैं. आप देख सकते हैं साइकिलिंग के लिए मैंने अलग एरिया बनाया हुआ है और वॉक के लिए अलग. बच्चों के लिए भी रखा हुआ है जहाँ पे इन्होंने डिफरेंट टाइप के स्विंग्स लगाए हुए हैं. स्लाइड होगी और दो तीन दूसरे किस्म के स्विंग्स होंगे. सो फ्रेंड्स, ये इस पार्क की मेन अट्रैक्शन है, जिस वजह से इसको डॉल्फिन पार्क कहा जाता है. You can have a perfect view of the most iconic building, Al Bahar Tower, also known as Pineapple Building. These buildings are covered with 2000 umbrella-like element that opens and closes on the direction of sun. करते हुए तो अभी हम बैठ के थोड़ा बहुत खाएंगे पियेंगे भी, क्योंकि ह्यूमिडिटी की वजह से हमें प्यास बहुत ज़्यादा लगी थी. ऊपर से हमने मास्क भी लगाया हुआ था. आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लाइट्स ऑन हो गई हैं और हल्की हल्की शाम होना शुरू हो गई है. अपने साथ कुछ चीज़ें लेके आए थे, जैसे वाटर बॉटल हो गई और उसके अलावा जूस थे, मैंगो जूस हो गया और कपकेक, अरसलान का वनीला कपकेक और मेरा डबल चॉकलेट कपकेक. और साथ में अरसलान अपने लिए लेके आए थे सैलेड और मेरे लिए लेके आए थे लेस.
जूस चिप्स खाने के बाद अब हम लोग जा रहे हैं घर को वापस। आप देख सकते हैं कि रात पूरी तरह हो चुकी है, लेकिन यहाँ पे जो सारा एटमॉस्फेयर है बहुत प्यारा लग रहा है। लेकिन बात वही आ जाती है क्योंकि ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा थी तो सांस लेने में थोड़ा सा मसला हो रहा था, क्योंकि मास्क भी लगाया होता है, वॉक भी हो रही होती है। मास्क ना हो तो फिर तो बहुत ईजी है, लेकिन मैं तो यही सजेस्ट करूँगी कि जिसने यहाँ पर आना हो नवम्बर दिसंबर में आए तो ज़्यादा अच्छा रहता है। उसके अलावा यहाँ पे स्टार्ट में ही, पार्क के स्टार्ट में दो आप कह सकते हैं स्टॉल्स हैं, खाने पीने की चीज़ें आपको मिल सकती हैं जो कि बहुत अच्छे से इन्होंने डेकोरेट किया हुआ है। सो गाइस, इतना ही था मेरा आज का व्लॉग। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ध्यान रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।